नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। आज जो मैं खबर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये खबर खास तौर पर अभिभावकों और पेरेंट्स को राहत देने वाली है। दरअसल कोरोना काल जब से शुरू हुआ तब से लॉकडाउन जैसा फैसला सरकार ने लिया और इसकी वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं और बच्चे घर में हैं, घर में ही पढ़ाई की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल संचालक हैं, जो स्कूल के प्रशासन हैं, वो पेरेंट्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं फीस को भरने के लिए। अब ऐसे में कई अभिभावक जो हैं वो असमर्थ हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं स्कूल की फीस, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना सिर्फ स्कूल नहीं चल पा रहा है बल्कि तमाम संस्थान बंद है, कंपनीज बंद है, इंडस्ट्रीज बंद है। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वो तमाम कामकाज बंद है जिससे पैसा लोगों के घर में आता था। अब ऐसे में जो अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा था स्कूल संचालकों की तरफ से, इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो निर्देश जारी किया है, जो आदेश दिया है, इस आदेश से पेरेंट्स को, अभिभावकों को राहत मिल रही है। जी, हम बात कर रहे हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की, जिसमें जनहित याचिका दायर की गई थी बच्चों की फीस की। यहाँ पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है स्कूल संचालकों की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे में ये जनहित याचिका दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि ये प्रेशर बनाया जा रहा है स्कूल की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो असमर्थ हो रहे हैं फीस भरने के लिए। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हुई तब इसमें आदेश यहाँ पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है साफ तौर पर कि स्कूल प्रशासन यहाँ पर अभिभावकों के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है। पेरेंट्स पर अगर कोई दबाव बनाया जा रहा है या फिर अगर पेरेंट्स असमर्थ हैं फीस देने के लिए, तो पेरेंट्स एक लेटर स्कूल प्रशासन को दे दें और स्कूल प्रशासन अगर इस लेटर को नहीं मान रहे हैं तो आप इसकी कंप्लेन आगे कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर ये जो फैसला है या फिर जो निर्देश हाई कोर्ट का है, ये जारी किया जाएगा, यानी कि अमल किया जाएगा चंडीगढ़ के स्कूलों में फिलहाल। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा और पंजाब के स्कूल में भी ये अमल कर सकता है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें कहा गया है, जो फैसला सामने आया है, कि अगर कोई अभिभावक फीस देने में असमर्थ है तो वो पहले स्कूल को लिखित में एक बार सूचित कर दें, यानी कि आप एक तरीके से बता दें स्कूल प्रशासन को कि आप असमर्थ हो रहे हैं फीस देने में। अगर इसके बावजूद स्कूल उस पर कोई जवाब नहीं देता है, यानी कि अगर आपने लेटर भी दे दिया है स्कूल प्रशासन को ये कहते हुए कि आप असमर्थ हैं स्कूल की फीस भर पाने में, और अगर इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है, तो प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों के मामले में गठित और शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लिखित शिकायत आपको देनी होगी। यानी कि आपके लिए साफ तौर पर रास्ता खोल दिया गया है। अगर आपको इस तरीके से कोई दिक्कत पेश आ रही है तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं। अथॉरिटीज पर 15 दिनों में कार्रवाई करेगा, ये भी आप ध्यान से सुनिए, अथॉरिटीज पर 15 दिनों में कार्रवाई करेगा। बावजूद इसके अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी यहाँ पर दायर की जा सकती है। तो अच्छी खबर है ये अभिभावकों के लिए, लेकिन ये भी एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये फिलहाल जो फैसला है इस पर अमल चंडीगढ़ के स्कूलों में किया जाएगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंजाब के स्कूलों में, हरियाणा के स्कूलों में भी इस पर अमल किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, ऐसे में स्कूल प्रबंधन का ये कहना कि बिना फीस वो स्कूल नहीं चला सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये वकील की तरफ से कहा गया है, क्योंकि इसमें ये भी तर्क दिया गया है कि स्कूल प्रशासन अभिभावकों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने से पहले एडमिशन फीस ली गई थी स्कूल की तरफ से, तो आप इसे एक फीस के रूप में इसे काम में ला सकते हैं और उसके बाद आप अभिभावकों पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तो ये अच्छी खबर, जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कई बार मुझसे पूछ रहे थे इस मामले को लेकर। तो ये बड़ी खबर जैसे ही सामने आए तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है, क्योंकि जनहित याचिका इस पूरे मामले को लेकर दायर की गई थी। फिलहाल चंडीगढ़ के स्कूलों में इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में हरियाणा पंजाब के स्कूलों में भी अमल किया जा सकता है। आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है जरूर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।